पीटी 45 करंट अफेयर्स के तहत आज से हम भारतीय अर्थव्यवस्था एंड इकोनॉमी के विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू करेंगे। इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे करंट अफेयर्स के आधार पर। करंट अफेयर्स में जो भी घटनाक्रम पिछले एक वर्ष में देखा जाए तो किसी न किसी कारण यहाँ पे चर्चा का विषय रहे हैं, उन चीजों को यहाँ पर पढ़ेंगे, जानेंगे यहाँ पर क्या प्रमुख तथ्य हैं, कौन से घटनाक्रम हैं, विभिन्न क्षेत्रों को लेकर, चाहे वो बैंकिंग हो, बीमा हो, उद्योग हो, सेवा सेक्टर हो, इकोनॉमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अलग अलग घटनाक्रमों को लेकर न सिर्फ भारतीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर इकोनॉमी को लेकर जो भी यहाँ पर टर्मिनोलॉजी विकसित हुई है, घटनाक्रम विकसित हुए हैं, उनके प्रभाव, स्थिति इत्यादि का भी हम आकलन करेंगे। इसमें रिपोर्ट और सूचकांक जैसे घटनाक्रमों को भी देखेंगे, लेकिन उन सारी चीजों को लेकर हम क्रमबद्ध तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। साथ ही साथ थोड़ा सा होमवर्क ये रहेगा कि इकोनॉमी में जो हम करंट अफेयर्स के तहत यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आपको करंट में काफी देखा जाए तो क्वेश्चंस भी आते हैं, यूपीएससी हो या यूपीपीएससी दोनों में यहाँ पर देखा जाए तो इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है वो लगातार आपको बढ़े हैं। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर इकोनॉमी को अच्छे से यहाँ पर देखिएगा, जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे उनको रिविजन करते चलिएगा, साथ ही जो जीएस के यहाँ पर जो टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड होंगे या फिर जो आपको बताए जाएंगे आपको स्टडी करना है वो भी आप करते चलिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में संबंधित आज का अपना पहला टॉपिक। एक देखा जाए तो यहाँ पर बेसिक एक टॉपिक यहाँ पर आता है जो कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ पॉवर्टी से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पर आते हैं, और देखा जाए तो इसको किस तरीके से दूर करने के प्रयास भी इसमें आपको रहते हैं। प्री हो या मेंस हो, यहाँ पर आपको इससे क्वेश्चन बनते हैं। प्री में यहाँ पर जहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको बनते हैं, वहीं मेंस में यहाँ पर इसकी चुनौतियां, समस्याएं, समाधान जैसे टॉपिक्स को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं यहाँ पर क्या है टॉपिक। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो भारत में जीडीपी और जीबीए के बीच अंतराल यहाँ पर बढ़ता हुआ पाया गया है। भारत में जो जीबीए की स्थिति है 2015 से लेकर देखा जाए तो एक स्थिर मूल्य पर, जो इसका आधार वर्ष है, हर एक वस्तु का यहाँ पर देखा जाए हर एक चीज के आकलन संबंधी एक आधार वर्ष यहाँ पर हमेशा माना जाता है, और कई बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्थिर मूल्य जो है वो यहाँ पर 2011-12 आधार वर्ष यहाँ पर आपको माना गया है। स्थिर मूल्य पर देखा जाए तो जो ये जीबीए और जीडीपी के संदर्भ में यहाँ पे जो अंतर आया है, उस संदर्भ में देखा जाए तो भारत में जो जीबीए है उसके 2015 में स्थिर मूल्यों पर जो भी अंतर आपको देखा या प्रयोग जो किया गया है वो अंतर आपको आया है 2015 के आधार वर्ष पे और स्थिर मूल्य पे, और ये जो आधार वर्ष का रहा है 2011-12 माना गया है। इसी तरीके से जीडीपी और जीबीए के मध्य देखा जाए अंतराल के जो उत्तरदायी यहाँ पे कारणों के बारे में भी इस रिपोर्ट में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें कहा गया कि जो मूलभूत यहाँ पर अंतर है वो है जीडीपी की गणना बाजार मूल्य पर की जाती है, जबकि जीबीए की जो गणना है वो स्थिर मूल्य पर की जाती है, अर्थात की तुलना भी की जा रही है लेकिन दो अलग अलग आधारों पर, जहां जीडीपी एक बाजार मूल्य है, बाजार लगातार परिवर्तित होती है, एक शैली है, और कह सकते हैं कि वर्तमान घटनाक्रम पर आधारित होती है जिसमें मुद्रास्फीति जैसे तत्व भी यहाँ पर आपको शामिल हैं। वहीं पर अगर आपको देखा जाए तो जीबीए जो है एक गणना जो स्थिर मूल्य पर यहाँ पर आधारित है, और इसके कारण यह डिफरेंसेस आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगे, और इसी कारण से देखा जाए तो जीडीपी और जीबीए के अनुबंध यहाँ पर अंतर है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि जीबीए के क्षेत्रक होते कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जीबीए का क्षेत्रक के अंतर्गत आपको कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी पालन, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं, निर्माण, वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण संबंधी सेवाएं, खनन और उत्खनन, विनिर्माण, और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो बिजली, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य यहाँ पर जन उपयोगी सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर ये सारे जो क्षेत्रक हैं वो जीबीए के अंतर्गत आते हैं, जीबीए की जो गणना होती है इन क्षेत्रों में यहाँ पर आपकी की जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हम यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसमें एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि जीडीपी और जीबीए में बेसिकली यहाँ पर आपको अंतर होता क्या है। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं जीडीपी के बारे में। देखिए, यह अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो स्वास्थ्य की पहचान करने में जीडीपी आपकी मदद करेगा कि अर्थव्यवस्था किस तरीके से चल रही है। यह दूसरी तरफ देखा जाए तो यह बुद्धिशील कैसे वृद्धिशील की स्थिति को भी दर्शाएगा और मंदी का सामना करने की चीजों के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेगा, इसके बारे में जानकारी देता है। यह आय और निजी उपभोग के आंकड़ों के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर के विषय में उचित समझ प्राप्त करने में भी आपकी सहयोग करता है, और यह निवेश, सरकारी खर्च, निवल निर्यात जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर देशव्यापी विश्लेषण करने में भी आपको मदद करेगा। एक तरफ चाहे वो देश के
बारे में आपको उसके वृद्धि के बारे में जानकारी हासिल करनी हो, या समाज में या फिर व्यक्तिगत यहाँ पर लोगों के से संबंधित यहाँ पर उनकी वृद्धि और आय की स्थिति इत्यादि का आकलन करना हो, दोनों ही संदर्भों में जीडीपी आपके लिए उपयोगी होती है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ जीबीए की बात करें तो यह देखा जाए तो यह आर्थिक गतिविधि अर्थात की उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के संबंध में वास्तविक स्थिति के आकलन में मदद करेगा। ठीक है, दूसरा ऐसा इसलिए क्या है क्योंकि जीडीपी में बढ़ोतरी बेहतर कर अनुपालन जैसे अन्य कारणों से भी यहां पर हो सकती है। यह मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार और क्षेत्रवार आकलन प्रदान करता है। इससे नीति निर्माताओं को प्रोत्साहन या प्रेरणा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हर क्षेत्र के हिसाब से जब आपके पास डेटा आता है तो आपको ये पता होता है कि किस क्षेत्र में यहाँ पर गतिविधि अच्छी चल रही है और किन क्षेत्रों में यहाँ पर जो गतिविधियां हैं वो स्लो चल रही हैं, कहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही, कहाँ मंदी देखने को मिल रही है, जिसके कारण आप यहाँ पर एक बेहतर पॉलिसी मेकिंग बना सकते हैं। यह वैश्विक डेटा मानकों के आधार पर किसी क्षेत्र की उत्पादकता की पहचान करने में सहयोग करता है। साथ ही निवेशकों को आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर विशेष प्रकार के निवेश संबंधी निर्णय लेने में मदद करेगा, क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टमेंट आता है वो आपको डेटा के आधार पर आता है, और अगर इन्वेस्टर्स को ये पता हो कि कौन से क्षेत्रों में यहाँ पर बूम चल रही है, किन क्षेत्रों में समस्याएं हैं, तो इन्वेस्टर भी उसी अनुसार यहाँ पर डिसीजन लेगा कहाँ उसे निवेश करना है, किन क्षेत्रों में नहीं करना है, कहाँ पर वेट करना है, कहाँ पर कितनी मात्रा में करना है, ये निवेशकों के लिहाज से भी अच्छा रहता है। इसलिए यहाँ पर जीडीपी और जीपीए एक दूसरे से यहाँ पर अलग अलग है और ये दोनों ही यहाँ पर आपके लिए अलग अलग परिस्थितियों के संदर्भ में प्रयोग होते हैं। दूसरा इसमें देखिए निर्धनता संबंधी अनुमानों के बारे में भी डिस्कशन होता रहता है, और हाल ही में देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF के नाम से भी जानते हैं, आपको ये बताना IMF के यहाँ पे चीफ कौन है, इस समय यहाँ पे अध्यक्ष के कौन है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। और विश्व बैंक के भी आपको प्रमुख, यहाँ पर दोनों के प्रमुखों के बारे में आपको बताना है, से जुड़े लेखों ने भारत में निर्धनता और असमानता के दो अलग अलग यहाँ पे अनुमान आपको प्रकाशित किए हैं। तो देखते हैं कि क्या है अनुमान। तो देखिए यहाँ पे आयाम और संकेतकों के बारे में जानकारी दी गई है। एक यहाँ पर देखिए बेहतर स्थिति वाले दृष्टिकोण एक व्यक्त किया गया है। बेहतर स्थिति वाला जो दृष्टिकोण है ये आप देखिए इसमें एरिक एलार्ड के द्वारा इस दृष्टिकोण में तीन आयाम बताए गए हैं। पहला जिसमें संसाधनों का होने की स्थिति के बारे में आकलन किया जाता है, दूसरा सामाजिक स्वीकार्यता की स्थिति को यहाँ पर आधार माना जाता है, और तीसरा इसमें आध्यात्मिक भावनात्मक संतुष्टि का होना, और इन तीनों के आधार पर एक बेहतर स्थिति का आकलन, अर्थात किसी व्यक्ति के बेहतर स्थिति का अगर हमें आकलन करना है तो किन आधारों पर करते हैं कि वो उसके पास किस तरीके के संसाधन है, उसके पास उसकी सामाजिक स्वीकार्यता कितनी है, और क्या उसे आध्यात्मिक भावनात्मक यहाँ पे संतुष्टि प्राप्त है। इसी तरीके से एक और दृष्टिकोण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया क्षमता वाला, जिसे हम कैपेबिलिटीज अप्रोच भी यहाँ पर कहते हैं। क्षमता वाला दृष्टिकोण क्या है, तो इसमें देखिए आय और उपभोग दृष्टिकोण के विकल्प के रूप में अमृत सेन के द्वारा प्रतिपादित इस दृष्टिकोण के आधार पर OECD ने बहुआयामी क्षमता फ्रेमवर्क यहाँ पे तैयार किया, और इसमें निम्नलिखित यहाँ पर आपको क्षमताओं शामिल किया गया है। कौन कौन सी क्षमताएं हैं, तो पहले तो आर्थिक क्षमता, दूसरी मानवीय क्षमताएं, तीसरा राजनीतिक क्षमताएं, चौथा सामाजिक सांस्कृतिक क्षमताएं, और पांचवा यहाँ पर आपको सुरक्षा संबंधित क्षमताएं। तो इन पांच क्षमताओं के आधार पर यहाँ पर हम एक बहुआयामी क्षमता फ्रेमवर्क को तैयार किया गया अमृत सेन के द्वारा, जो कि आय और उपभोग पर आधारित है। इसके अलावा तीसरा यहां पर देखिए एक आपको जिसकी लगातार यहां पर चर्चा रहती है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। इसके बारे में आप जानते हैं, थोड़ा सा यहां पर उसके बारे में बता देते हैं। देखिए इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी और इसे UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा निम्नलिखित तीन आयामों और 10 संकेतकों के आधार पर गरीबी के या घरेलू स्तर की गरीबी को मापने और उसकी व्याख्या यहाँ पर की जाती है। तो कौन से यहाँ पर आपके तीन आयाम हैं? पहला शिक्षा, जिसमें स्कूली शिक्षा और स्कूल में उपस्थिति के वर्ष को दर्ज किया जाता है। दूसरा स्वास्थ्य, जिसमें बाल मृत्यु दर और पोषण के आधार यहाँ पर स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है। और तीसरा जीवन स्तर, जिसमें आपको बिजली, पेयजल, स्वच्छता, आवास, रसोई, ईंधन, संपत्ति, इन सारी चीजों का यहाँ पर आपको आकलन किया जाता है। तो ये 10 संकेतक और तीन आयाम के आधार पर देखा जाए तो बहुआयामी गरीबी बहुआयामी निर्धनता जो सूचकांक है उसके आधार पर आपको इसका सूचकांक भी जारी किया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों में बहुआयामी गरीबी MPI को यहाँ पर आपको दर्ज किया जाता है। अगला देखिए यहाँ पे समृद्धि, विकास और गरीबी उन्मूलन को लेकर कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा चर्चा का विषय रहे,
कुछ शब्द रहे जो चर्चा का विषय रहे। जैसे कि एक शब्द यहां पर यूज किया गया ग्लास क्लिफ। क्या है ग्लास क्लिफ? देखिए एक ऐसी शब्द है जिसमें महिलाओं को संकट के समय या मंदी के दौरान उच्च पदों पर पदोन्नत किया जाता है और ऐसे समय में विफलता की संभावना यहां पर देखा जाए तो आपको अधिक रहती है। यदि ऐसी स्थिति में उच्च पद पर पदोन्नत महिला कंपनी के प्रदर्शन में गिरावट को यहां पर नियमित करने में विफल रहती है तो कंपनी इस विफलता का दोष उस महिला पर यहां पर डाल देती है। ऐसी प्रवृत्तियां नेतृत्व के लिए महिलाओं के उपयुक्त नहीं होने के बारे में रूढ़ियों को यहां पर पुनः ज्यादा यहां पर तवज्जो मिल जाती है। और यह शब्दावली नेतृत्व वाले पदों पर पदोन्नत होने पर अल्पसंख्यक और हाशिए पर रह रहे समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों पर लागू होती है। तो ध्यान रखिएगा इस शब्द को ग्लास क्लिफ का यहां पर क्या मतलब है। दूसरा यहां पर देखिए एक तो और यहां पर शब्द आता है जिसको हम कहते हैं तकनीकी मंदी। देखिए मंदी के कई स्वरूप होते हैं, ठीक है। अब इसमें से एक वर्ड यहां पर टेक्निकल आपको कह सकते हैं रिसेशन के संदर्भ में आया है जिसे हम हिंदी में कहते हैं तकनीकी मंदी। क्या है तकनीकी मंदी इसको थोड़ा यहां पर समझते हैं। देखिए तकनीकी मंदी जो शब्द का प्रयोग किया गया इसका संबंध होता है उत्पादन में लगातार दो तिमाहियों में हुई गिरावट, ठीक है। क्या? तो यहां पर बस इस फैक्ट को इस लाइन को ध्यान रखिएगा। उत्पादन में लगातार दो तिमाहियों में अगर आपको गिरावट हुई है तो ऐसी स्थिति को हम तकनीकी मंदी कहते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो आमतौर पर वास्तविक जीडीपी में आए लगातार संकुचन की स्थिति को या स्थिति के में आपको यहां पर तकनीकी मंदी देखने को मिलेगी। यह अक्सर एक बार होने वाली घटना जैसे कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण आपने देखा था सभी उद्योग धंधों को बंद कर दिया गया था जिसके कारण उत्पादन लगातार दो तिमाहियों तक गिरा और तकनीकी मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसकी अवधि यहां पर छोटी होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से जीडीपी की प्रवृत्ति को समझने के लिए यहां पर किया जाता है। और इसके विपरीत अगर हम देखें जो मंदी होती है, मंदी में आर्थिक गतिविधियों में अधिक व्यापक गिरावट शामिल होती है और इस गिरावट में रोजगार, घरेलू, कॉर्पोरेट आय आदि सहित अनेक आर्थिक घटक यहाँ पर आपको शामिल होते हैं। तो मंदी क्या है? एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, जबकि तकनीकी मंदी उसका एक छोटा सा यहाँ पर हिस्सा है जिसमें जो सिर्फ यहाँ पर उत्पादन से यहाँ पर आपको जुड़ा हुआ है। तकनीकी मंदी के बाद अगला देखिए एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज की जाती है जिसको हम यहाँ पर कहते हैं डूम लूप, ठीक है। डूम लूप, डूम लूप क्या है? अर्थशास्त्रियों के अनुसार यहाँ पर यूरोप जो है डूम लूप की ओर बढ़ रहा है। डूम लूप का मतलब यहां पर देखिए, डूम लूप का मतलब यहां पर एक सुभेदता है का एक बड़ा यहां पर चक्र के संदर्भ में है। इसमें बैंकों के द्वारा रिजर्व के लिए रखे गए सॉवरेन बॉन्ड्स की कीमतों में अस्थिरता से किसी देश की बैंकिंग प्रणाली में गंभीर रूप से प्रभावित यहां पर होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बैंकों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों में कमी आने लगती है और इसी स्थिति को हम यहां पर डूम लूप कहते हैं। यह एक ऐसी परिघटना है जिसमें इसकी आर्थिक प्रणाली में एक हिस्से को बहुत पहुंचा यहाँ पे आघात दूसरे हिस्से को भी प्रभावित करता है और इससे यह और यहाँ पर व्यापक होने लगता है। तो एक तरीके से बैंकों के द्वारा कोई यहाँ पर जो आपने सॉवरेन बॉन्ड रखा है उसकी कीमतें जो होती हैं लगातार अस्थिर रहें, गिरने लगे और इसके कारण यहाँ पर देखा जाए तो बैंकों के द्वारा जो प्रदान जो ऋण उनको देना है उसमें आपको कमी होने लगे और ये स्थिति धीरे धीरे और खराब होने लगे। तो इसी की स्थिति के कारण जो होता है उसको हम कहते हैं कि डूम लूप की स्थिति जो कि बैंकों पर यहां पर आपको प्रभावी होती है। अगला एक टर्म यहां पर देखिए आता है ट्विन ट्रांजिशन। क्या होता है यहां पर ट्विन ट्रांजिशन? देखिए ट्विन ट्रांजिशन का मतलब है एक ऐसा दृष्टिकोण जिसके अनुसार सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा के एक विशाल एवं व्यापक अवसर यहां पर मौजूद है और इस अवसर का अभी तक उपयोग नहीं किया गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए किसका है, यहां पर सतत विकास लक्ष्यों के दृष्टिकोण से हमने प्रौद्योगिकी के और डेटा का प्रयोग किया, कितना किया है, किस तरीके से किया है, ये इससे जुड़ा हुआ एक पहलू यहां पर बताता है। ट्विन ट्रांजिशन को यहां पर कहा गया है कि अगर हम इस दृष्टिकोण को यहां पर अपनाने की आवश्यकता के तहत चौथी औद्योगिक क्रांति या उद्योग 4.0 की पृष्ठभूमि यहां पर उत्पन्न हुई है और डिजिटल और संधारणता को अलग अलग यहां पर नहीं करता है बल्कि इसकी बजाय दक्षता उत्पादकता के मामले में बड़े लाभों के अवसर प्रकट करने के लिए उन्हें आपस में जोड़ने का काम करता है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर नेतृत्वकर्ताओं संगठनों को भविष्य में भी संचालनीय बनाए रखने के लिए डिजिटल और संधारणीय एजेंडे को एक साथ यहां पर ला सकते हैं। तो ट्विन ट्रांजिशन का मतलब देखिए यहां पर है
दो विशेष पहलू हैं, एक सतत विकास लक्ष्य और दूसरा तकनीकी का प्रयोग। तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रांति या डिजिटल तकनीकी का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, वही है आपका ट्विन ट्रांजिशन, अर्थात डिजिटल और संधारणिता को यहाँ पर एक साथ रखते हुए दक्षता और उत्पादकता को यहाँ पर बढ़ाने का काम करना। चलिए अगली यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम कहते हैं राज्य वित्त को किस तरीके से मजबूत किया जाए, क्योंकि लगातार आपको राज्य के द्वारा निवेशित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, अगर राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर होती है तो यहाँ पर आपको समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो इसी को लेकर देखा जाए तो राज्य वित्त को मजबूत कैसे बनाए रखा जाए, ये यहाँ पर एक चर्चा का विषय बना। तो ये क्यों बना है, तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि सरकार ने कुछ राज्य केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों के द्वारा जनता को मुफ्त में आधारभूत सुविधाएं देने के कारण उन पर ऋण के बढ़ते बोझ और बिगड़ती राजकोषीय स्थिति पर यहाँ पर चिंता जताई है। कई चुनावी जो घोषणाएं होती हैं उसमें बोल जाता है कि बिजली मुफ्त हो जाएगी, पानी मुफ्त हो जाएगा, और अन्य प्रकार के यहाँ पर टैक्सेस जैसी चीजें हैं कुछ उसमें आपको छूट दी जा रही हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं यहाँ पर, इस तरह की जो घोषणाएं होती हैं, देखिए सरकार अगर आपको फ्री में दे रही है तो सरकार अपनी जेब से फिर किस कंपनी को पैसा भर रही है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में सरकार जो पैसा अपनी जेब से यहाँ पर कंपनियों को दे रही है, अगर वही पैसा यहाँ पर वो निवेशित प्रक्रियाओं में लगाए तो उससे यहाँ पर राज्य के पास आय के और स्रोत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इसके कारण क्या होगा, उनकी स्थिति और भी खराब होगी। अब राज्य वित्त के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए राज्यों के अपने कर और गैर कर राजस्व भारत के संविधान में यहाँ पर वर्णित है, और इस आधार पर देखिए केंद्र से करों का हस्तांतरण, अनुदान इत्यादि भी उन्हें यहाँ पर प्राप्त होता है। केंद्र सरकार अगर हम देखें तो संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत अंतरण पश्चात राजस्व घाटा यहाँ पर अनुदान प्रदान करती है, ताकि अंतरण के बाद राज्यों के राजस्व खाते में दिखने वाले अंतर को पूरा किया जा सके। अनुच्छेद देखा जाए 282 के तहत यहाँ पर विवेकाधीन अनुदान भी आपको शामिल है, जिसके तहत यहाँ पर केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान प्रदान करती है। इसके अलावा वित्त आयोग के द्वारा जो कि अनुच्छेद 226-80 में यहाँ पर इनका उल्लेख है कि सिफारिशों के आधार पर निवल विभाज्य कह सकते हैं पूल से अंतरण भी किया जाता है, अर्थात कि वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की जाती हैं उसके आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के यहाँ पर वित्त का स्थानांतरण किया जाता है, करों का बंटवारा इत्यादि भी किया जाता है। यहाँ पर चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं कि राज्यों के राजस्व का जो प्रस्ताव है वो कैसा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये तीन आधार आप देखिए, पहला है कर राजस्व के संदर्भ में, ठीक है? कर राजस्व में अगर आप देखें तो यहाँ पर राज्य का अपना कर राजस्व होता है और केंद्र के द्वारा जो कर स्थानांतरण होता है, दो तरीके से उसे यहाँ पर कर राजस्व के रूप में इनकम होती है। अब यहाँ पे राज्य का जो अपना कर राजस्व है इसके तीन आधार हैं, जैसे कि यहाँ पर आय पर कर लेते हैं, जैसे कि व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग, रोजगार इत्यादि हो गए। दूसरा संपत्ति और कैपिटल ट्रांजेक्शन पर कर लेती है, और तीसरा वस्तुओं और सेवाओं पर भी वो कर लेती है। तो इस तीन तरीके से यहाँ पर वो अपने राज्य के द्वारा अपना कर वसूल करती है। इसी तरीके से गैर कर राजस्व के अंतर्गत देखा जाए तो PSES से प्राप्त लाभांश और लाभ प्रशासनिक सेवाओं के एवज में वहां पर जो प्रशासनिक सेवाएं आपको उपलब्ध कराई जाती हैं उसके बदले जो शुल्क यहाँ पर लिया जाता है उसके तरीके से। और तीसरा संघ सरकार के अनुदान के द्वारा, जैसे संघ सरकार के द्वारा राज्यों को यहाँ पे आपदा राहत अनुदान दिया जाता है, स्थानीय निकायों के लिए अनुदान दिया जाता है और राजस्व घाटा अनुदान दिया जाता है। तो इस तरीके से राज्य के वित्त की स्थिति आपको, अर्थात उसके इनकम के स्रोत कहाँ कहाँ से हैं वो यहाँ पर ये पूरा खाका है। अगला देखिए यहाँ पे है राज्य जो है FRBM अर्थात राजकोषीय उत्तरदायित्व तो बजट प्रावधान, ये यहाँ पे चर्चा का विषय क्यों बना है, क्योंकि तो देखा जाए तो केंद्रीय जो वित्त मंत्रालय है ने राज्यों को सूचित किया है कि राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम, स्पेशल पर्पज यहाँ पर व्हीकल या फिर जो एजेंसियों के द्वारा बाजार के लिए उधार राज्यों की सीमा के तहत ही यहाँ पर होंगे। तो ये सारी चीजें देखा जाए तो कुछ चीजों को राज्य के उधार लेने की क्षमता के तहत ही यहाँ पर डाल दिया गया, ठीक है? तो यहाँ पर अब अगर किसी भी उपक्रम के लिए, राज्य के अंतर्गत आने वाले किसी उपक्रम के लिए कोई यहाँ पर आपको देखा जाए तो बाजार से उधार लेना है या स्पेशल पर्पज व्हीकल, वो भी किसमें डाल दिया गया है, वो भी अब राज्यों की सीमा में रहेगा। अनुच्छेद देखा जाए तो इसके संदर्भ में 293(3) यह प्रावधान करता है कि यदि राज्य सरकारों पर भारत सरकार का ऋण बकाया है तो उन्हें नए ऋण देने के लिए केंद्र की अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। तो इस संदर्भ में देखिए एक और इस प्रावधान को ध्यान रखिएगा कि राज्य
नया ऋण तब नहीं ले सकती है बिना केंद्र की अनुमति की जब राज्यों पर केंद्र का यहाँ पर ऋण बाकी हो, तो उसे जब तक आप नहीं चुका देते हैं या फिर केंद्र सरकार आपको उसके बावजूद यहाँ पर अनुमति नहीं दे देती है तो आप नया ऋण नहीं लेंगे। सभी राज्यों ने 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अपने FRBM अधिनियम यहाँ पे लागू किए और इस अधिनियम के अनुपालन की निगरानी संबंधित राज्य विधानमंडल करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की यहाँ पे शुरुआत में केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य की सामान्य निवल उधार सीमा यहाँ पर तय करती है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्यों के निवल उधार सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP का 3.5% यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो ध्यान रखिएगा कितने परसेंट ऋण ले सकते हैं, अपनी GDP का 3.5% वहां पर, अपनी GDP का 3.5% वहां पर वो ऋण ले सकते हैं, कौन, राज्यों के द्वारा। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में क्या क्या यहाँ पे प्रावधान है। देखिए इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था एक वित्तीय अनुशासन स्थापित करना और इसके लिए भारत की राजकोषीय यहाँ पे प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता लाने का प्रयास करना। दीर्घकालिक जो उद्देश्य है इसके तहत यहाँ पे राजकोषीय स्थिरता लाना, मुद्रा स्फीति संबंधी उपाय करने में RBI को लचीलापन और विकल्प यहाँ पर उपलब्ध कराना। इसके साथ साथ FRBM अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किए गए कुछ यहाँ पे दस्तावेजों के संदर्भ में, जैसे कि राजकोषीय नीतिगत रणनीति वक्तव्य, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वक्तव्य, मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य और मध्यम अवधि व्यय के संबंधी फ्रेमवर्क। इसके तहत सरकार के राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे, ऋण GDP अनुपात में कमी लाने के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। साथ ही सभी राज्यों ने अपने स्वयं के FRBM अधिनियम यहाँ पे लागू कर दिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो NK सिंह के नेतृत्व में FRBM समीक्षा समिति के द्वारा कुछ FRBM के यहाँ पे लक्ष्य भी निर्धारित किए गए, जैसे कि राजकोषीय घाटा 31 मार्च 2023 तक एक्ट का यहाँ पे 2 से 5% तक रहेगा, उनके बीच रखना है। राजस्व घाटा 31 मार्च 2023 तक देखा जाए तो यहाँ पर 0 से 8% तक बीच रहेगा। ऋण जो हो GDP अनुपात यहाँ पर 60% रहेगा और केंद्र के लिए यहाँ पर 40% सीमा और राज्यों के लिए यह 20% यहाँ पर सीमा इसकी निर्धारित की गई। चलिए अगला देखिए यहाँ पर कुछ GST से संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो कि चर्चा का विषय रहती है, क्योंकि GST का हर माह यहाँ पे कलेक्शन कारण उसकी परिषद की बैठक के कारण चर्चा का विषय रहता ही रहता है। इस संदर्भ में देखिए यहाँ पे 3 शब्दावलियां हैं, एक है सिन गुड्स, एक है सर्कुलर ट्रेडिंग और तीसरा है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो एक एक करके तीनों के बारे में देख लेते हैं। पहला यहाँ पर देखिए सिन गुड्स है। सिन गुड्स क्या होते हैं, इसमें वे वस्तुएं शामिल होती हैं जिन पर सरकार सिन टैक्स लगाती है, अर्थात सिन टैक्स जो है सामाजिक रूप से हानिकारक मानी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक विशेष कर है, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग करने के कारण सामाजिक स्तर पर जिनसे नुकसान होता हो और उस पर यहाँ पर चाहे वो वस्तुएं हो चाहे सेवाएं हैं, दोनों को हम सिन टैक्स के अंतर्गत उस पर यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है ऐसी वस्तुएं सेवाओं पर। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए आता है सर्कुलर ट्रेडिंग। सर्कुलर ट्रेडिंग का अर्थ होता है कि व्यापारियों के द्वारा किसी भी वास्तविक सामान या सेवा का लाभ उठाए बिना इनवॉइस जारी करके धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना। समझ में आ गई बात, सर्कुलर ट्रेडिंग का मतलब है कि आपने सामान खरीदा, ठीक है, सामान खरीदा और उसकी एक इनवॉइस बनाई, लेकिन वो सामान बेसिकली सिर्फ कागजों पे खरीदा गया है उस इनवॉइस के माध्यम से जो कि दिख रहा है कि हाँ आपने सामान खरीदा है, लेकिन बेसिकली अगर देखें तो आपने ऐसा कोई सामान खरीदा नहीं है और आपने उस इनवॉइस को जमा कर दिया और उसके संदर्भ में अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप प्राप्त करते जा रहे हैं, तो इसको यहाँ पर बोला गया है सर्कुलर ट्रेडिंग। तो इस समस्या को भी यहाँ पर एक कह सकते हैं एक शब्दावली जो चर्चा का विषय बन। और तीसरा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो भी मैं बता देता हूं। देखिए अब इसके तहत आउटपुट पर टैक्स की राशि का भुगतान करते समय उनमें से इनपुट पर पहले से ही भुगतान किए गए टैक्स की राशि को घटाया जा सकता है और शेष राशि का भुगतान किया जा सकता है और ITC का दावा केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। देखिए एक ही वस्तु पे कई बार टैक्सेस लग जाते हैं, कच्चे माल पर भी लगता है और फाइनल प्रोडक्ट पर भी लगता है, बीच में भी कई बार लगता है, तो यहाँ पर जब आप फाइनल प्रोडक्ट पर अगर आपने वहां पर पे करते हैं जो टैक्सेस हैं उसके पहले भी अगर आपने उसी वस्तु पर आपने किसी अन्य चरण में यहाँ पर टैक्स दे रखा है तो वो डिडक्ट किया जाता है और बाकी पैसा आपको वापस किया जाता है, इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगला देखिए यहाँ पे आता है डिजिटल कर, ठीक है,
डिजिटल कर क्या है? अभी तक हम सारी चीजों को डिजिटल करने में ही लगे हुए, हर एक प्रकार की व्यवस्था को, हर एक प्रकार की प्रणाली को डिजिटल करने पे लगे हुए हैं। अब यहाँ पे एक नई प्रणाली भी आ गई, एक और डिजिटल व्यवस्था आ गई, जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं डिजिटल टैक्स। तो चलिए समझते हैं क्या है डिजिटल टैक्स। ठीक है, यहाँ पर डिजिटल टैक्स जो है सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि G24 समूह की यहाँ पर बैठक में भारत समेत अन्य विकासशील देशों ने डिजिटल सर्विस टैक्स से संबंधित संप्रभु वचन देने के प्रस्ताव का यहाँ पर विरोध किया है। ओसीडी के तहत इस प्रस्ताव में देशों से भविष्य में इक्वलाइजेशन लेवी अर्थात एक समकारी शुल्क जैसे किसी भी डिजिटल सर्विस टैक्स को लागू नहीं करने की यहाँ पर मांग की गई है। इस कदम से वैश्विक कर समझौते को लागू करने में आपको देरी हो सकती है। डिजिटल टैक्स जो सर्विस टैक्स है उसमें अगर देखें तो इसका मतलब होता है कि दो स्तंभों वाली योजना का एक हिस्सा, जिसमें 2021 में दो स्तंभों वाली योजना को भारत सहित देखा जाए तो 138 देशों, करीब 16 कह सकते हैं कि दिसंबर तक से यहाँ पर लोगों ने आपको सहमति ऑलरेडी दे रखी है इसको। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसमें एक चर्चा का विषय बना ओसीईडी। देखिए, इकोनॉमी में ऐसे कई सारे संगठन आएंगे, जैसे अभी हमने IMF और आपको साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक आया, इसी तरह ओसीडी यहाँ पर कई बार चर्चा का विषय बनते हैं। इन संगठनों के कारण कई रिपोर्ट्स आती हैं, कई यहाँ पर समझौतों में शामिल होते हैं, कई यहाँ पर व्यापारिक दिशा निर्देशन तय करने में, समझौतों को लागू कराने में यहाँ पे इनका नाम आता है। इसलिए यहाँ पर ये संगठन लगातार आपको चर्चा का विषय रहेंगे। इन संगठनों के बारे में हमेशा यहाँ पर आपको रिविजन करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जैसे ओसीडी के बारे में है हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, ये पहली बात तो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना आपको 1961 में आर्थिक सहयोग संगठन यानी ईसी के यहाँ पर जगह की गई थी। अब देखा जाए तो 1947 में यूरोपीय पुनर्निर्माण हेतु मार्शल योजना को संचालित करने में मदद करने के लिए इसको गठित किया गया। उद्देश्य क्या है? तो बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियों को बनाना इस संगठन का एक आदर्श वाक्य है। यह उन नीतियों को आकार देता है जो सभी के लिए समृद्धि, समानता, अवसर और कल्याण को बढ़ावा देती है। साथ ही यह प्रमाणों और अनुभव साझा करने वाले, साझा आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय चुनौतियों का यहाँ पे पता लगाने, सर्वोत्तम प्रथाओं की यहाँ पे पहचान करने तथा साक्ष्य आधारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने के लिए सदस्य देशों और अन्य देशों के साथ यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका काम है। देखिए, यहाँ पर भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत ओसीडी के प्रमुख साझेदारों में से लेकिन एक है। ठीक है, और इनके कुछ प्रमुख सूचकांक हैं जो ये जारी करते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक हो गए, ओसीईटी बेटर लाइफ इंडेक्स हो गए, तो ये इनके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि ओसीईडी की दो स्तंभों वाली योजना ये क्या है। तो इसमें देखिए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे देखें, BEPS वस्तुतः देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा प्रयोग की जाने वाले टैक्स प्लानिंग अर्थात साधारण भाषा में कर चोरी संबंधी रणनीतियों को संदर्भित करता है। इसके तहत कंपनियां कर नियमों में व्याप्त कमियों और अस्पष्टता का यहाँ पर फायदा उठाती हैं और उस फायदे का उठा करके यहाँ पर टैक्स चोरी करती हैं अर्थात टैक्स ना देना पड़े, इस तरह के कार्य करती है। इसी को हम कहते हैं कर बचत यानी टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस में संबंधी प्रयासों का समाधान करने के लिए ओसीडी का यहाँ पर फ्रेमवर्क दो स्तंभों पर आधारित है। स्तंभ एक के अंतर्गत कर अधिकारों का पुनर्वितरण किया जाता है और यह 20 बिलियन यूरो से अधिक टर्नओवर तथा 10 से अधिक लाभ कमाने वाली करीब 100 बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लागू है। और स्तंभ दो के अंतर्गत ग्लोबल एंट्री बेस एरोजन मैकेनिज्म के तहत यह वर्ष 2023 से वैश्विक स्तर पर 750 मिलियन यूरो से अधिक का राजस्व कमाने वाली एमएनई पर 15% का न्यूनतम वैश्विक निगम कर निर्धारित करता है। तो यहाँ पर देखिए, किसकी आय कितनी है उस आधार पर इन्हें कंपनियों को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है और उन दो वर्गों में डिवाइड करने के बाद उनको कितना टैक्स यहाँ पर पे करना है, उस स्थिति का यहाँ पर आपको दो स्तंभों वाली ये योजना है। इन कंपनी में देखा जाए तो अमेजन, वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट और 2 करोड़ या उससे अधिक की यहाँ पर वार्षिक टर्न ओवर वाली कंपनियां आपकी शामिल है। इसके साथ साथ डिजिटल सर्विस टैक्स का उद्देश्य क्या है? इसके माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय डिजिटल बाजार से अर्जित राजस्व पर विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाता उचित कर का भुगतान यहां पर करें। लेकिन कई सारी यहां पर देखा जाए तो ऐसा है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो सेवाएं आपको विभिन्न प्रकार की देती हैं, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो या आपको अन्य कंपनियां हैं,
अब वहां पर जो सेवाएं आपको दे रही है उसके बदले वहां पर क्या है, वो काफी सारा इनकम भी जनरेट कर रही है, इनकम लेकिन जनरेट कर रही है, लेकिन भारतीय कंपनियां नहीं है, सारी अमेरिकन या बाहरी की जो कंपनियां हैं वो कर जो होता है लाभ कमा के चली जाती है, उसको कर नहीं दे रही। तो यहां पर एक उचित कर की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से इन पर लगाया गया है यह डिजिटल कर। अब देखा जाए तो पहली समस्या जो है अलग अलग हित है। अलग अलग हित होने का क्या मतलब है कि यूरोपीय देशों ने डिजिटल कराधान को प्राथमिकता दी है, जबकि यूएसए ने वैश्विक न्यूनतम दर को यहाँ पे प्राथमिकता दी है। अर्थात हर एक देश की एक ही सब्जेक्ट को लेकर एक अलग अलग यहाँ पे दृष्टिकोण है, और इसके कारण यहाँ पर क्या है, एक वैश्विक यहाँ पे कानून या एक वैश्विक दृष्टिकोण, एक कॉमन दृष्टिकोण यहाँ पर सबका नहीं होने कारण समस्या ज्यादा रहती है। यूएसए और यूरोप दोनों की विधायिकाएं अब इन समझौतों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनों को पारित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उदाहरण के लिए हंगरी ने यूरोपीय संघ के न्यूनतम निगम कर को यहाँ पर दिया गया समर्थन वापस ले लिया। तो वैश्विक स्तर पर ये काम चल रहा है कि कैसे लागू किया जाए डिजिटल कर को लेकर, कैसे नहीं लागू करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यही सारे विवाद और चुनौतियां। अगला देखिए यहाँ पे है वर्चुअल डिजिटल पर संपत्तियों पर कराधान। ये क्या है, देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसको हम कहते हैं सीबीडीटी ने वर्चुअल डिजिटल पर संपत्तियों पर नए प्रावधान यहाँ पे अनुपालन करने के तरीके निर्धारित करने के लिए आयकर नियमों में यहाँ पर आपको संशोधन किए हैं। ठीक है, आपको ये सीबीडीटी के बारे में यहाँ पर बताइए क्या है सीबीडीटी, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है इस समय। संशोधित नियमों के तहत अगर हम देखें एक वर्ष में 10,000 रुपए से अधिक की या क्रिप्टो करेंसी के भुगतान पर 1% यहाँ पर लगाया जाएगा ये कर। ठीक है, निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए टीडीएस की सीमा प्रतिवर्ष 50,000 रुपए होगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाज्य परिवार इसमें आपको शामिल है जिन्हें आईटी अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है। अब देखिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं। यह मूल्य एक डिजिटल स्वरूप है जिसका लेन देन किसी प्रतिफल के बदले या उसके बिना यहां पर आपको किया जाता है। इसमें शामिल है आपको क्रिप्टो करेंसी, एनएफटीज, डी मटेरियलाइज्ड शेयर, प्रमोशनल करेंसी और ई बुक्स यहाँ पर आपको शामिल है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा राजकोषीय नीति से संबंधित कुछ अवधारणाओं को देख लेते हैं, जिसमें एक आता है हमेशा दोहरे घाटे की समस्या, ट्विन देखा जाए तो डेफिसिट प्रॉब्लम की एक स्थिति आपको हमेशा पढ़ने को मिलती होगी। क्या है दोहरे घाटे की समस्या, देखिए यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने अपनी आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में इस शब्द को यहाँ पर प्रयोग किया, जिसमें वस्तुओं की ऊंची कीमतों और बढ़ते सब्सिडी बोझ के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में दोहरे घाटे की समस्या के फिर से उभरने के प्रति यहां पर आपको सचेत किया गया है। दोहरा घाटा किसी देश में चालू खाते घाटे के साथ साथ राजकोषीय घाटे की स्थिति की उपस्थिति को दर्शाता है, अर्थात दो प्रकार के घाटे एक साथ दिखाई देंगे, राजकोषीय घाटा भी और चालू खाता घाटा भी, और जब दोनों स्थितियां आपको दिखाई दें उसे हम कहते हैं दोहरा घाटा। राजकोषीय घाटा किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच यहाँ पे अंतर को दर्शाता है। अगला इसमें देखिए बैंकिंग से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक भी यहाँ पर देखा जाए, चर्चा का विषय रहा। बैंकिंग में पहला जो टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलता है शहरी सहकारी बैंक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूसीबी भी कहते हैं। हाल ही में देखा जाए तो आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए यहाँ पर गठित विशेषज्ञ समिति, जिसमें SN विश्वनाथन पैनल यहाँ पर इसकी प्रमुखता कर रहा था, की सिफारिशों के आधार पर यूसीबी के विनियामकीय ढांचे को संशोधित किया है। ठीक है, इनका ढांचा यहाँ पर थोड़ा परिवर्तित किया गया है, इनके संगठन में थोड़ा परिवर्तन लाया गया है। क्या है वो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कि मौजूदा जो यूसीबीज हैं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए विभेदित विनियामकीय ढांचे के साथ वर्तमान में दो स्तरीय विनियामकीय ढांचे को अब चार स्तरीय विनियामकीय ढांचे के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो पहले यहां पर दो स्तर पे थे यूसीबी, अब इन्हें चार स्तरीय बना दिया गया। कैसे बनाया गया तो ये आप यहां पे देख सकते हैं कैसे चार स्तरीय। देखिए Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4। अब Tier 1 में आप देखो तो यहाँ पे देखिए सभी यूनिट जो है यूसीबी तथा वेतन पाने वाले यूसीबी जमा राशि के आकार पर यहाँ पर विचार किए बिना अन्य सभी यूसीबी जिनके पास 100 करोड़ रुपए तक की यहाँ पे जमा राशियां होंगी उनको हम यूसीबी 1 टियर के अंतर्गत रखेंगे। यूसीबी 2 की जो टियर होगी उनमें 100 करोड़ रुपए से अधिक और 1000 करोड़ रुपए तक की यहाँ पर जमा राशि वाले, मतलब 100 करोड़ से नीचे अगर हैं तो वहां पर, या 100 करोड़ तक है तो उन्हें हम Tier 1, 100 से 1000 करोड़ तक वाले हैं बैंक तो उन्हें हम Tier 2,
1,000 रुपए से, 1,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ रुपए तक की राशि वाले, जमा राशि वाले आपके बैंक होंगे, यूसीबीज हैं, तो इन्हें टीयर थ्री। और ऐसे यूसीबीज जिनकी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि है उन्हें हम टीयर फोर में रखें। तो यही चार वर्गीकरण यूसीबीज के किए गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसके साथ बैंकों के वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करने के लिए एक ही जिले में संचालित टीयर वन यूसीबीज की न्यूनतम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अन्य सभी टीयर के यूसीबीज की न्यूनतम जो नेटवर्थ है वो 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। इसके साथ जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में जो पूंजी अनुमान है उसके संदर्भ में देखा जाए तो टीयर वन जो है यूसीबीज के लिए CRAR को उनकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों के 9% पर यहां पर बरकरार रखा गया है। वहीं टीयर टू से लेकर टीयर फोर के यूसीबीज अपनी देखा जाए तो रॉस के 12% के बराबर CRR यहां पर बनाए रख सकते हैं। तो ये है थोड़ा सा परिवर्तन, चेंजेस जो कि यहां पर आपको किया गया है यूसीबीज के संदर्भ में, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लेकर भी थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा, RRBs को लेकर के क्यों चर्चा का विषय रहा, तो RRB के बारे में ध्यान रखिएगा, RRB को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, RRB का जो पूरा टॉपिक है वो यहाँ पर स्टडी कर लीजिएगा, UCBs को लेकर अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉपिक्स को बैंकिंग सेक्टर में जो भी यहाँ पे परिवर्तन चेंजेस या घटनाक्रम हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके संदर्भ में देखिए, केंद्र सरकार ने इंडियन बैंक एसोसिएशन से यह कहा है कि RRB को वित्तीय रूप से संधारणीय बनाने में सहायता किया जाए। अब इसके संदर्भ में देखिए, आरआरबी को वित्तीय रूप से संधारणीय बनाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 के दौरान उन्हें 10,890 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड पूंजी यहां पे उपलब्ध कराने का फैसला किया है। साथ ही इस पूंजी में केंद्र का हिस्सा 5,445 करोड़ रुपए होगा और शेष राशि का योगदान राज्यों और प्रायोजक बैंकों की तरफ से यहां पर किया जाएगा। आरआरबी देखिए, ये नरसिंहम वर्किंग ग्रुप 1975 की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी के यहाँ पर स्थापना हुई थी। और इसका गठन देखिए, इसका महत्व क्या है कि यह बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए निर्धारित 75% की बजाय 81% तक की अधिक यहाँ पर ऋण प्रदान करते हैं। कमजोर वर्गों विशेषकर लघु सीमांत किसानों साहूकारों से बचाने के लिए संस्थागत यहाँ पर आपको ऋण देते हैं। और कमजोर वर्गों लघु सीमांत किसानों को साहूकारों से बचाने के संदर्भ में यहाँ पे ऋण प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो ग्रामीण आबादी की बैंकिंग सेवाओं में विश्वास बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। सहकारी समितियों स्वयं सहायता समूहों को आसान व प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करते हैं। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समय विकास के लिए ग्रामीण भारत में रोजगार को बढ़ावा देते हैं। आरआरबी में देखिए, जो शेयर धारक हैं, प्रायोजक जो बैंक होगा 35%, जैसे कि SBI हो सकता है, आपका PNB हो सकता है, ऐसे कोई प्रायोजक बैंक हो गए। दूसरा यहाँ पे संबंधित राज्य सरकार जिस भी राज्य में होगा, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरह राज्य में, उनका 15%, और बाकी जो हिस्सा होता है वो केंद्र सरकार भारत सरकार का है, 50% जो उनकी हिस्सेदारी होती है। आपको ये यहाँ पर बताना है कि आरआरबी के संदर्भ में वर्तमान समय में इसकी कार्यप्रणाली कौन यहाँ पर देख रहा है, जैसे कि हिस्सेदारी आपने यहाँ पर देखी ली है, तो आरआरबी का कार्य प्रक्रिया हमने यहाँ पर देख ली है। तो ये आपको ध्यान में रखना है आरआरबी को लेकर के क्वेश्चन, कि ये कैसे यहाँ पर काम करते हैं, इनकी क्या भूमिका है, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आज के समय में, आज के इस लेक्चर में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर हमारा ये घटनाक्रम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अभी देखिए कंटिन्यू रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के भी एक दो वीडियोस और आपको मिलेंगे जहां हम इस संदर्भ को, कई भी सारी चीजों को यहां पर पढ़ेंगे। ये प्रारंभ है, लेकिन यहां पर अभी इसको खत्म करने में अभी हमें टाइम लगेगा। जो भी घटनाक्रम हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं उससे जुड़े हुए आपके GS के सामान्य अध्ययन के टॉपिक्स को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, जैसे UCBs के बारे में पढ़ लीजिए, RRB के बारे में पढ़ लीजिएगा, लोक वित्त के संदर्भ में, घाटे की समस्या, GDP, GVA को लेकर के, गरीबी से संबंधित जो टॉपिक्स हैं, तो वहां पर उनसे रिलेटेड आपको गरीबी क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, और भी उन चीजों को यहाँ पर रिविजन कर लीजिएगा एज अ होमवर्क के तौर पे, क्योंकि ये हाईलाइटेड टॉपिक रहे हैं और इनके आने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ टॉपिकों के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।